दोस्तों आप लोग वीडियो को पहले देखा, मैंने एक मिनी वाटर पम्प बनाया हूँ जो पुराना कैपेसिटर से। तो एक कैपेसिटर को मैं ले लिया हूँ, ठीक है। मेरे पास दो चार कैपेसिटर पड़ा हुआ था, तो एक आइडिया लगा हुआ कि इससे हमारा आराम से जो मार्केट में मिलता है 100-150 का जो मिनी वाटर पम्प, उससे हमारा सेम ऐसे ही पम्प होगा। तो वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लास्ट तक देखिए, बिल्कुल अच्छा से मैं करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, इसका अंदर का जो मटेरियल है उसको निकाल दिया हूँ, पूरा साफ कर रहा हूँ मैं अच्छा से। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा से पानी फेंकेगा, तो मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। ये देखिए, एक मोटर ले लिया हूँ, इसको आप 3.7 वोल्ट से 12 वोल्ट तक चला सकते हो। देखो, देख लो जी, ये इजीली आ रहा है अंदर, थोड़ा लूज आ रहा है तो थोड़ा टाइट कर देंगे। तो देखिए इतना तक इसका सॉफ्ट आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, एक देखिए राउंड से मैं कटिंग कर लिया हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक कोई सा भी प्लास्टिक का सीट आप काट सकते हो, पतला वाला, ज़्यादा मोटा नहीं करना है। उसके बाद देखिए, मैं एक ढक्कन से कटिंग किया हूँ इसको। उसके बाद ढक्कन का साइड साइड की भी ज़रूरत है, क्या होगा दोस्तों, ब्लेड का काम करेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये मोटर आ गया है। उसके बाद दोस्तों देखिए, राउंड शेप वाला, ये देखिए इसका पंखा भी अंदर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर मैंने ढक्कन का साइड साइड भी काट के इसके ऊपर चिपका देंगे। बस तीनों चिपकाने से काम हो जाए, तो उससे पहले माफ करके कटिंग करना है। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साइड में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दो। मैं ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक का आइडिया वाला वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, राउंड शेप वाला का सेंटर निकालना है। तो सेंटर निकालने के लिए देखिए दोस्तों, मैं स्केल से इसका बेच में लाइन खींच रहा हूँ, इससे क्या होगा हमारा सेंटर आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा सेंटर निकल गया है, इधर सेंटर है, इसके एक होल कर देंगे, ठीक है। तो इसका साइड साइड ब्लेड को चिपकाना है। तो चलिए, मैं ढक्कन का साइड साइड काट लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं जो पुराना ढक्कन एक जुगाड़ किया था, आप भी ढक्कन से इजीली कर सकते हो, जो बोतल का ढक्कन होता है वही से। तो देखिए दोस्तों, मैं ढक्कन का साइड साइड काट लेता हूँ। इसके बाद इसको तीनों लेना है दोस्तों। तो चलिए, मैं स्केल से माफ कर लेता हूँ, ठीक है, 1, 2, 3 माफ करके काटिंग कर लो। आप 4 भी लगा सकते हो, तो मैं अभी 3 ही लगाऊँगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा से काम करेगा। आप इसमें 9 वोल्ट या 12 वोल्ट का बैटरी से चलाओगे तो और ज़्यादा पानी खींचेगा। तो आप लोग देख सकते हो, मैं तीनों ब्लेड रेडी कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों, और भी एक मैं जुगाड़ किया हूँ, ठीक है। तो उससे पहले ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे बैठेगा, ऐसे चिपकाना है, फिर भी क्विक से बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हेडफोन का जो ईयरफोन होता है, ठीक है, उसका जो नीचे का जो रहता है, देखिए ये हमारा शॉर्ट में इजीली आ रहा है। तो इसको कट के दोस्तों, जो हमारा ब्लेड का सेंटर है, वो सेंटर पॉइंट में लगा देंगे, ताकि क्या होगा हमारा जो सॉफ्ट है इजीली आ जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं इस सब को कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पूरा मैं कंप्लीट ब्लेड को कंप्लीट कर दिया हूँ, मतलब रेडी कर दिया। और जो साइड साइड जो है, ये दोस्तों काट का टुकड़ा लगाया हो, ताकि क्या हो, फेविक्स और भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आप भी ऐसे जगाड़ करके लगा सकता है। देखिए, इस साइड में एक होल कर दिया हो, तो हमारा सॉफ्ट में इजीली आ रहा है। तो सबसे पहले पूरा फिटिंग करके आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए, एक साइकिल का टिप ले लिया हो, उसको भी दोस्तों ब्लेड का माप पे माप करके कटिंग करना है। तो दोस्तों, मैं मोटर का माप कर लेता हूँ। ये दोस्तों मोटर के ऊपर चिपका रहेगा, ताकि क्या होगा, यह मोटर के अंदर पानी नहीं घुसेगा, ठीक है। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साइड में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दो। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं राउंड शेप में माफ कर दिया, उसके बाद इसको कांची से मैं राउंड शेप में कटिंग कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप सीट भी, और एक सीट भी लगा सकते हो, ताकि ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो अंदर पानी नहीं जाएगा। तो आप और भी एक पतला वाला सीट लगा दीजिए, ताकि और भी मजबूती रहेगा, पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। तो देखिए, मैं अभी आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ सिर्फ। तो चलिए, इसको देखिए राउंड से मैं काट दिया, उसके बाद मिडिल में और एक कटिंग कर लेता हूँ, जिससे हमारा मोटर का शॉप ईजीली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको फेविक्विक से पूरा चिपका देना है, आसानी से फिक्स होकर बैठ जाएगा। तो दोस्तों, आइडिया आपको कैसा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो देखिए दोस्तों, आपको घर में ज़रूर ये ऐसा पुराना वाला कैपेसिटर पड़ा रहेगा, तो आप उस कैपेसिटर को लेके अच्छा से बनाइए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं मिडिल में भी राउंड से मैं काट दिया हूँ, आप इजी आ रहा है। उसके बाद फेविक्विक डाल के पूरा फिक्स कर देता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, इसको मैं फेविक्विक से फिक्स कर दिया। उसके बाद दोस्तों देखिए हमारा सॉफ्ट इजीली बिल्कुल घूम रहा है, देख के फेविक्विक देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों साइड में भी एक ट्यूब दे दिया, इससे क्या होगा हमारा ये टाइट आएगा। और देखिए दोस्तों एक मोटर का कनेक्शन के लिए जो हमारा कैपेसिटर है उसका मिडिल में दोनों होल करना है, ताकि क्या होगा और हमारे अंदर से वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं सोल्डिंग आयरन से दोनों होल कर लेता हूँ। आप एक भी होल कर सकते हो, एक होल से भी दोनों वायर आ सकते हैं, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं इसका ऊपर ऊपर जो आयरन से किया हूँ उसको काट देता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसमें दोनों वायर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं दोनों वायर लगा लिया, उसके बाद इसको अंदर खींच लेता हूँ। आप लोग देख सकते हो दोस्तों मैं वायर में गिटी लगा दिया हूँ, ताकि क्या होगा ये वायर अंदर से अगर बाहर से खींचेंगे तो कनेक्शन नहीं कटेगा। तो चलिए अब वायर को फटाफट से अंदर ले लेता हूँ। तो दोस्तों आपको ये आइडिया कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साइड में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दो। तो देखिए दोस्तों ये बिल्कुल हमारा टाइट जा रहा है मोटर, ठीक है। टाइट जाने से क्या होगा दोस्तों, पानी भी नहीं घुसेगा, जो ट्यूब डाल दिया वो भी बिल्कुल टाइट जा रहा है, प्लेट है वो भी अच्छा से जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ट्यूब का साइड यदि दोस्तों पीवीसी का गांव है तो इसको थोड़ा साइड लगा देता हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों हमारा वाटर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, मतलब अंदर वाटर नहीं जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये पीवीसी का सॉल्यूशन है जो पीवीसी पाइप में डलता है पानी नहीं अंदर नहीं जाने के लिए, तो ये पानी को रोक देता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने डाल दिया, ये देखिए ये पीवीसी का गांव है, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा डाल के डाल देता हूँ। ये दोस्तों सूखने से पानी बिल्कुल अंदर नहीं जाएगा। तो देखिए इसको लगा दिया हो, थोड़ा 10-15 मिनट के बाद ये आराम से सूख जाएगा। इसको 10-15 मिनट के लिए रख लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों 10-15 मिनट हो गया है, देखिए बिल्कुल अच्छे से सूख गया है। मैं थोड़ा ज़्यादा दिया हूँ, ठीक है, सूखने के बाद और भी डाला हूँ, और इधर एक होल कर दिया जिससे हमारा पानी बाहर खींच आएगा, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों ये जो है जो ढक्कन है जो कैपेसिटर के ऊपर का ढक्कन है इसको तोड़ देना है, और नीचे का साइड एक होल कर देना है और ऊपर का होल जुबा देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं एक नीचे होल कर दिया हूँ, और ये जो पुराना वाला पेन है इसको कटिंग करके मैं पाम का बाहर में चिपकाना है। तो चलिए मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों पूरा कंप्लीट कर दिया, इसको पूरा मैं ग्लू गन से चिपका दिया हूँ, और नीचे का साइड दो पीवीसी का सीट दे दिया हूँ ताकि हमारा आराम से बैठ रहा है, ठीक है, गिरेगा नहीं। तो चलिए उसके बाद दोस्तों इसको क्या करना है, कलर कर दूंगा। तो आपका मर्जी, आप कलर भी कर सकते हो नहीं कर सकते हो कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ फिनिशिंग दिखाना है। तो देखिए दोस्तों मैं ब्लैक कलर का ले लिया हूँ, तो चलिए इसको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों मैं कलर कंप्लीट कर दिया हूँ, बिल्कुल हमारा वाटर पम्प रेडी हो गया है। मार्केट जैसा नहीं लग रहा है लेकिन दोस्तों ये वर्क बिल्कुल अच्छा से करेगा, आपको वीडियो में देख के शायद पता चल जाएगा। तो आप वीडियो का अभी भी देखते रहिए, ठीक है। तो अब दोस्तों इसको चलिए टेस्टिंग करते हैं। तो आप कोई सा भी बैटरी से चला सकते हो 12 वोल्ट तक, ठीक है, 3.7 वोल्ट से 12 वोल्ट तक कनेक्शन देके चला सकते हो। तो देखिए दोस्तों मैं एक 3.7 वोल्ट बैटरी दे दिया हूँ, अब इसको पानी में डाल रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों ये फेक वीडियो नहीं है, बिल्कुल रियल वीडियो। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा से वर्क कर रहा है, इसका अगर सप्लाई अगर 12 वोल्ट देगा तो पानी और भी अच्छा से खींचेगा, आपको मैं सिर्फ अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारा अच्छा से पानी खींच रहा है, तो मैं आपको अच्छा से और एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल अच्छा से पानी खींच रहा है। दोस्तों हमारा ये वाटर पम्प 100% वर्क कर रहा है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साइड में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दो। दोस्तों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, मैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक का आइडिया देता रहता हूँ, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।